सीपी ग्राम में आप अपनी कोई भी किस्म की परेशानी, कोई भी ग्रीवेंस आपका है, उसको आप डाल सकते हैं, जो कि रेजिमेंटल सेंटर और एडजुटेंट जनरल ब्रांच के लेवल के ऊपर लगातार मॉनिटर होगा और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। नमस्ते, वीर नारी सीरीज में आपका स्वागत है। वीर नारी सीरीज इज एन इनिशिएटिव बाय मेटामॉर्फ्स। मैं शकुंतला भंडारकर एक वीर नारी हूँ। मेटामॉर्फ्स एक स्वयं सेवी संस्था है जिसका धार्मिक और राजनीतिक पहलू नहीं है। आज हम ECHS के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल जॉन जॉर्ज, AVSM, VSM, जनरल अनुज माथुर, VSM और कर्नल श्रीकांता। अभी हम लोग लेफ्टिनेंट जनरल जॉर्ज के बारे में जानेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल जे जॉर्ज, AVSM, VSM वॉज कमीशन्ड इनटू द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ऑन 17th December 1977. He has held numerous staff, instructional and command assignments while in service, notable amongst which are Instructors, School of Artillery, Instructor, Staff College, Colonel GS of a Div, Sub-Area Commander, Area Commander DG, War College, Commandant School of Artillery, and MD of ECHS. He is an aviator and post-retirement has settled in Bengaluru. Namaste, General George. Thank you. Thank you very much for inviting me, ma'am. It's a pleasure. Yes, हम लोग ECHS के बारे में आपसे कुछ जानना चाहते हैं। कृपया ECHS के बारे में हमें और हमारे व्यूअर्स को बता दें। ECHS का स्थापन 203 में किया गया था और इसका एक खास वजह था। ECHS सैंक्शन होने से पहले जो रिटायर्ड जवान JCO या ऑफिसर्स थे और उनके फैमिलीज, वो सर्विस हॉस्पिटल या मिलिट्री हॉस्पिटल्स में जाके अपना ट्रीटमेंट लेते थे, लेकिन ज्यादातर सर्विस हॉस्पिटल या मिलिट्री हॉस्पिटल्स वो कंटोनमेंट्स में है या बॉर्डर एरियाज में है। और काफी ऐसे स्टेट्स थे जहां पे मिलिट्री हॉस्पिटल्स था ही नहीं। टोटल 203 में तकरीबन 135 के करीब मिलिट्री हॉस्पिटल्स थे। और प्रॉब्लम ये था कि जो आदमी बुजुर्ग है, जैसे एज बढ़ता जाता है, जेरियाटिक डिजीजेस बढ़ता है, और जेरियाटिक डिजीजेस के लिए, उसका ट्रीटमेंट के लिए जो स्पेशलिस्ट चाहिए वो ज्यादातर कमांड हॉस्पिटल्स में ही पाए जाते हैं। और जब भी जवान JCO या ऑफिसर्स और उनके फैमिलीज ट्रीटमेंट के लिए जाते थे, उनको कमांड हॉस्पिटल या बेस हॉस्पिटल जाके अपना ट्रीटमेंट लेना पड़ता था। और ट्रीटमेंट तभी मिलता था जब सर्विस हॉस्पिटल में स्पेयर कैपेसिटी होता था। प्रॉब्लम्स के वजह से 203 में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम का सैंक्शन किया जाए। और इसका स्ट्रक्चर भी उन्होंने ऐसा किया ताकि जो जवान जहां सेटल्ड है वहां पे कोई ऐसा हॉस्पिटल मिले उसको, जहां पे जाके वो ट्रीटमेंट ले सके। इसका स्थापन जब हुआ दो फेस में हुआ था। 203 में 13 रीजनल सेंटर्स,
227 पॉलीक्लिनिक और सेंट्रल लॉग ईसीएचएस का स्थापन किया था। और जब उन्होंने देखा कि ये पॉलीक्लिनिक्स काफी नहीं है, 210 के आसपास इसको बढ़ाकर 15 और रीजनल सेंटर्स, 199 और पॉलीक्लिनिक्स इसमें शामिल किया गया। तो ये बैकग्राउंड ईसीएचएस सैंक्शन करने का वजह और इसको स्ट्रक्चर जिस हिसाब से किया गया, ये ऐसे किया गया ताकि जवान कम से कम ट्रैवल करके हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट ले सके। और सर्विस हॉस्पिटल और एम्पैनल्ड हॉस्पिटल दोनों को शामिल करके जवान, जेसीओ ऑफिसर, उनके डिपेंडेंट्स, जो भी ईसीएचएस के बेनिफिशियरी हैं, उनको ट्रीटमेंट मिलता है। तो आज के तारीख में तकरीबन 45 लाख ऐसे बेनिफिशियरीज हैं जो ईसीएचएस के हकदार हैं और ईसीएचएस के द्वारा ट्रीटमेंट पाते हैं। वो बहुत बड़ा सर्विस कर रहे हैं ईसीएचएस, और हमें इतना खुश हो रहा है कि इतने सारे पॉलीक्लिनिक्स हैं और इतने सारे उसके बेनिफिशरीज है करके। फिर भी हमको यू नो बहुत सारे जो एक्स सर्विसमैन हैं और वीर नारीज है, ये ईसीएचएस कार्ड जो उनको दिया जाता है उसके बारे में काफी कुछ डाउट्स है उनके मन में। तो हमारे साथ हैं कर्नल श्रीकांता, जो ईसीएचएस में वॉलंटरी सर्विस करते हैं। सो वी हैव विद अस कर्नल श्रीकांता। ही वाज कमीशन्ड इन 1971 इन द 5th बटालियन ऑफ द मद्रास रेजिमेंट, कमांडेड द सेम यूनिट फ्रॉम जुलाई 1992 टू जुलाई 1995। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द टी सेवा for Karnataka and also the member of Oversight Committee of ECHS Central Organization, Ministry of Defense. He also voluntarily helps veterans and families on pension and ECHS matter. So, Colonel Shrikanta, jabhi bhi main baat karti hu aapse, aap roj koi na koi वीरनारी या एक्स सर्विसमैन के बारे में आप बोलते हैं और उनका क्या तकलीफें हैं, उनके क्या कैसे आपने सॉल्व किया उसके बारे में हमें बोलते रहते हैं। तो हमने सोचा कि अगर आप हमें और हमारे व्यूअर्स को क्लियरली बता दे कि ये ईसीएचएस क्या क्या पॉलिसी है, क्या प्रोसीजर्स है संक्षिप्त में, इससे हमको भी फायदा होएगा और जो देख रहे हैं और खास करके जो सिविलियंस है, जो बड़े बुजुर्गों की एक्स सर्विसमैन की ख्याल रखते हैं, उनको भी इसके बारे में जानने का मौका मिलेगा और उनको भी इस वीडियो से फायदा होएगा। तो इसीलिए कृपया आप ईसीएचएस पॉलिसी कार्ड के जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स है उनके बारे में हमें बता दें। मैडम, थैंक यू वेरी मच कॉलिंग मी। जो दर्शक इसको वीडियो को देखेंगे उसमें काफी पुराने मेंबर्स भी होंगे ईसीएचएस का, जिसको काफी जानकारी होगा, लेकिन उसमें नए नए वेटरन्स भी होंगे, एक्स सर्विसमैन होंगे और फैमिली पेंशनर होंगे, और बिल्कुल टोटली अभी अभी ज्वाइन किया हुआ ईसीएचएस मेंबर होंगे जिसको खास जानकारी नहीं होगा ईसीएचएस के बारे में। तो चलते हैं इसके बारे में संक्षेप में, टाइम कमी की वजह से संक्षेप में बताऊंगा। ये ईसीएचएस किस किस को एंटाइटलमेंट है वो बताऊंगा। जो भी वेटरन है, एक्स सर्विसमैन है, जिसको पेंशन मिल रहा है, उसको ऑथराइज है, उसका बेटा जो है और बेटी और ब्रदर जो है, भाई बहन जिसका एज 25 ईयर से कम होना चाहिए बेटा के लिए और बेटी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन इसका किसी को इनकम 9000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए, और पेरेंट्स भी है जो डिपेंडेंट पेरेंट्स है जिसका इनकम भी 9000 से कम होना चाहिए, लेकिन इनका पूरा डिपेंडेंसी
पब्लिश होना चाहिए रिकॉर्ड ऑफिस रिकॉर्ड में, ईएसएम का रिकॉर्ड में। और इसके अलावा जो डाइवर्स डॉटर है, सिस्टर है, अबंडेंट डॉटर है, जो पति ने वाइफ को छोड़ दिया, आप वो आपका बेटी है, या विडोड डॉटर और विडोड सिस्टर के लिए भी ऑथराइज है। बेटे के लिए 25 इयर्स ऑफ सर्विस है और जब तक उसका नौकरी नहीं लग जाता है। अगर बेटा या बेटी जो भी है इरेस्पेक्टिव द एज, एज के अलावा अगर डिजेबिलिटी है 40% से ऊपर डिजेबिलिटी है, उसके लिए एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर इनकम 9000 से कम है तो उसको भी एलिजिबल है। इसके अलावा और डिपेंडेंट्स है, डिपेंडेंट डाइवर्स अबंडेंट डॉटर, जैसे मैंने बोला पहले बोला, इरेस्पेक्टिव द इनकम, सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड और विडोड, विडो सिस्टर, इनकम लेस देन 9000। अदर डिपेंडेंट्स माइनर ब्रदर्स, कोई एज है 25 ईयर से कम होना चाहिए, इनकम नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक है जो डिजेबिलिटी है, जो इसका 40% से ऊपर है, जो बेटा है 25 ईयर के होने के बाद भी वो डिपेंडेंट है, लेकिन उसका डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए एज पर पीडब्ल्यू एक्ट 2016, उसके मुताबिक 40% ऊपर डिजेबिलिटी होना चाहिए। उसका पीपीओ में भी नाम हो सकता है, जिसको पेंशन मिलेगा पेरेंट्स का गुजरने के बाद, और ईएचएस कार्ड अभी से लागू हो सकता है। उसका काफी डिटेल है, 21 बीमारी है पीडब्ल्यू 2016 में, जो बता नहीं सकता क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो अभी चलते हैं जो प्रोसीजर फॉर गेटिंग ट्रीटमेंट, जैसा आपको ट्रीटमेंट ले सकता है पॉलीक्लिनिक में, जो भी पॉलीक्लिनिक मेंबर है वो पॉलीक्लिनिक में जाना है और सिक रिपोर्ट जो यूनिट में बोलते हैं ऐसे जाके डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर आपके पास एक किताब होगा होना चाहिए, उसमें डॉक्टर आपका जो भी बीमारी है दवाई लिख के देंगे, वो पॉलीक्लिनिक में जो फार्मेसी है उधर से आपको दवाई मिल जाएगा। उसके अलावा जो दवाई ट्रीटमेंट पॉलीक्लिनिक में नहीं कर सकता, वो आपको जैसे पहले बताया आपको रेफरल लेटर देंगे, जो एम्पैनल हॉस्पिटल है उसमें जाके ट्रीटमेंट ले सकता है, कोई पैसा एक रुपये भी देने का जरूरत नहीं है। एम्पैनल हॉस्पिटल का मतलब है जो सिविल हॉस्पिटल है, जो भी सिटी में है, गांव में है या टाउन में है, वो एम्पैनल हॉस्पिटल क्या करता है, रीजनल सेंटर जो है उसको एम्पैनल करता है। इसके मतलब कॉन्ट्रैक्ट में साइन करा लेते हैं, इसको बोलते हैं एमओए, और वो हॉस्पिटल ईसीएचएस बेनिफिशियरी को ट्रीटमेंट फ्री में करते हैं और पैसा रीजनल सेंटर से क्लेम कर लेते हैं। अगर कोई इमरजेंसी है जब पॉलीक्लिनिक बंद है, जैसा सैटरडे संडे गेस्टेड हॉलीडे है, उस टाइम पर कोई बीमार हो गया और इमरजेंसी है, तो जाके एम्पैनल हॉस्पिटल में भर्ती होके ट्रीटमेंट ले सकता है। अगर एम्पैनल हॉस्पिटल उस जगह में नहीं है या बहुत दूर है या इमरजेंसी काफी सीरियस है, तो नॉन एम्पैनल हॉस्पिटल कोई भी सिविल हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट ले सकता है। लेकिन उसको करने का काम ऐसा है कि एडमिट होते ही उसको स्टेबलाइज करके 48 आवर्स यानी 2 दिन के अंदर उसी पॉलीक्लिनिक को कवर देना जरूरी है। ये इंडिविजुअल का, ईएसएम का, या जो भी डिपेंडेंट है जो एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, उसका डिटेल्स, ईएसएम का नंबर, टेलीफोन नंबर, और ये सब ओसी पॉलीक्लिनिक को देना व्हाट्सएप के जरिए और ईमेल के द्वारा या टेलीफोन करके। इसके अलावा वो हॉस्पिटल से इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेके वो भी पॉलीक्लिनिक ओसी को भेजना है। उसके बाद पूरा ट्रीटमेंट के बाद पैसा भरना है और बिल लेना है, डिटेल बिल लेना है, कंप्यूटराइज बिल लेना है, और समरी ऑफ डिस्चार्ज लेना है, समरी ऑफ बिल लेना है, सब कुछ, जो भी लैब टेस्ट है, एक्सरे है, एमआरआई है, सबका टेस्ट का रिपोर्ट लेके उसको क्लेम करना है। उसके भी प्रोसीजर है, वो अगला वीडियो में कवर करेंगे। इमरजेंसी है, देयर आर क्वाइट अ फ्यू इमरजेंसी केसेस, आपको पता होगा, जो जानलेवा बीमारी हो सकता है, स्नेक बाइट हो सकता है, डॉग बाइट हो सकता है, चक्कर आने का, हेड इंजुरी, ऐसा कई किस्म का है जो इमरजेंसी कैटेगरी में आता है। वो इमरजेंसी में खुद जाके ट्रीटमेंट ले सकता है और रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकता है। इसके अलावा जो नॉर्मल बीमारी है, जैसा मैंने बोला है, ट्रीटमेंट के लिए रेफर लेटर मिलता है, आप जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। या ऐसे कुछ बीमारी है जो ईसीएचएस में एलोपैथी का ट्रीटमेंट होता है, ऐसे कुछ बीमारी है जो एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, तो ईसीएचएस ने ये भी इंट्रोड्यूस किया है कि आयुष, यहाँ मतलब आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, ये 5 किस्म का ट्रीटमेंट है
इसको ये ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा पॉलीक्लिनिक में, उसी पॉलीक्लिनिक को, वो आपको रेफरल लेटर दे देंगे, आपको परमिशन दे देंगे, आप जाके जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आयुर्वेद का, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी का, उधर जाके ट्रीटमेंट ले सकता है और उसका पैसा भर देना। उसके बाद रीएम्बर्समेंट जो है उसको क्लेम पुटअप करने से रीएम्बर्समेंट हो जाता है। आपका ये ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद दोबारा आपको ईसीएचएस में दवाई लेना है तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, आप वापस इसका ईसीएचएस का ट्रीटमेंट शुरू कर सकता है, लेकिन दोनों ट्रीटमेंट एक साथ नहीं हो सकता है। और एक है जो नया शुरू किया अभी 3 साल पहले, ऑथराइज लोकल केमिस्ट करके, ऑथराइज लोकल केमिस्ट मतलब अभी दवाई जो पॉलीक्लिनिक में है वो जो मिलता नहीं है उसमें आपको एनएस सर्टिफिकेट देंगे या एएलसी ऑथराइज लोकल केमिस्ट, उससे द्वारा आपको दवाई अगला दिन मिलना चाहिए। और दूसरा एनएस सर्टिफिकेट देने से आप जाके खरीद सकते हैं और उसका रीइंबर्समेंट क्लेम पुटअप कर सकता है। इसके अलावा जो पिछला मार्च अप्रैल से कोविड के दौरान ईसीएचएस ने सैंक्शन दिया, आपको ईसीएचएस जाने का जरूरत नहीं है, जो जा सकता है वो जा सकता है कलेक्ट करने के लिए, नहीं तो वो जाके आप सिविल फार्मेसी से बाहर पैसा देके दवाई खरीद सकता है और इसको रीइंबर्समेंट क्लेम पुटअप कर सकता है और पैसा आपको मिल जाएगा। ये कर्नल श्रीकांत था, ये किसको देंगे ये रीइंबर्समेंट क्लेम? ओके, रीइंबर्समेंट क्लेम ऐसा है जो 2-3 किस्म का है। एक तो पहले आपने सिविल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया उसका एक तरीका है, और हर महीना मेडिसिन लेते हो आप पॉलीक्लिनिक से, उसके बजाय आपको सिविल में क्लेम करते हो, सिविल में खरीदने के बाद उसको पुटअप करते हो क्लेम, उसके लिए सबमिट करना है आपको पॉलीक्लिनिक में, उसका कागज वगैरह डॉक्यूमेंटेशन और कंटिजेंट बिल है उसका एक तरीका है, उसको सबमिट करना है। ये सिटी मेडिसिन का ये जगह पर जो आप मेडिसिन खरीद रहे हो वो 3-4 महीने के बाद भी पुटअप कर सकता है, लेकिन जो हॉस्पिटल का एडमिशन प्राइवेट हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट आपने लिया है उसके लिए टाइम लिमिट है 30 डेज के अंदर, आपको क्लेम डिस्चार्ज होने के बाद 30 डेज के अंदर क्लेम पुटअप करना पॉलीक्लिनिक को। लेकिन कोविड के टाइम पर इसको 30 डेज को एक्सटेंड किया, 90 डेज के अंदर देना है करके, लेकिन आदमी 90 डेज तक रुकना नहीं चाहिए क्योंकि काफी चीजें भूल जाते हैं और ऑब्जर्वेशन से आपको जो डॉक्यूमेंट नहीं है वो दोबारा हॉस्पिटल में लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको जितना डिस्चार्ज होने के जितना जल्दी आपको क्लेम पेपर रेडी करके पॉलीक्लिनिक में देने से उतना बेहतर है। ये ईसीएचएस के लिए कोई वेबसाइट है अगर हमको और डिटेल्स या फॉर्म्स फॉर्मेट्स वगैरह चाहिए तो? है, क्रोम में जाके सिर्फ ईसीएचएस टाइप करने से ECHS.gov.in ये वेबसाइट आ जाएगा, और इस वेबसाइट में जाके आपको ड्रॉप डाउन मेनू मिल जाता है, आप ECHS का सारा डिटेल्स उसमें से ले सकते हैं। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो कल श्रीकांता ने बताया वो काफी डिटेल में बताया, 2-3 चीजों का ध्यान अगर रखें इसमें से तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाता है। फर्स्ट, जब भी कोई ECHS बेनिफिशियरी बीमार हो जाता है पॉलीक्लिनिक जाके रिपोर्ट करना चाहिए, अपना ECHS कार्ड लेके अगर पॉलीक्लिनिक जाके रिपोर्ट करें या तो उसको दवाई मिल जाएगा या उसको एम्पैनल्ड हॉस्पिटल का रेफरल लेटर मिल जाएगा। दूसरा, अगर नजदीक कोई एम्पैनल्ड हॉस्पिटल नहीं है और इमरजेंसी कंडीशन है जैसे कर्नल श्रीकांता ने बताया, तो कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है। एडमिट होने के बाद 48 घंटे में OIC पॉलीक्लिनिक, अपना जो पेरेंट OIC पॉलीक्लिनिक ही है या जो नजदीक वाला पॉलीक्लिनिक है, उनको इन्फॉर्म करने की जरूरत है कि हम इस हॉस्पिटल में एडमिट है, इस वजह से एडमिट है और किस तारीख को एडमिट है। और ये खबर अगर आपने पॉलीक्लिनिक को दे दिया तो वो आपको सैंक्शन दे देंगे, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट चल सकता है और रीइंबर्समेंट आपको मिल जाएगा। तीसरा, जितना भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो सारा डीम्ड एम्पैनल्ड है, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं और
आपको उसका रीइंबर्समेंट मिल जाएगा सीजीएचएस रेट पे। ये तीन चीजों का अगर ईसीएचएस बेनिफिशियरीज ध्यान रखें तो उनका ज्यादातर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा।